बचाने की जरूरत है। इस बीमारी को लड़ने का एक ही तरीका है, दूरी बनाए रखो, मास्क पहनो, जब बात करनी है सामने कोई 5 फीट के अंदर कोई आदमी है तो मास्क पहनना है, नजदीक लोग होंगे, और दूरी बनाकर ज्यादा से ज्यादा अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है। यह अगर 3 चीजें करेंगे तो कोरोना दूर रहेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। मोदी जी ने यह संकट आते ही 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। इसमें 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन मिलता है, 3 रुपए 2 रुपए में चावल और गेहूं मिलता है, उनको 10 किलो और अनाज और 2 किलो दाल मुफ्त में देने का फैसला किया। गुजरात ने भी दिया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे प्रवासी मजदूर 10 करोड़ लगभग, उनको भी अन्न ब्रह्म योजना में गुजरात ने दिया है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 2 महीने 500-500 रुपए गए हैं, और इस महीने के अभी गए हैं तो 500 तीन बार गए हैं, अप्रैल मई जून, 30,000 करोड़ रुपए हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं के घर में तीन तीन गैस सिलेंडर पहुंचे हैं मुफ्त में, 2,000 रुपए उसके भी तो होते हैं। 3 करोड़ बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग, इनको 1,000 रुपए मिला है। गुजरात ने भी 66 लाख कार्ड धारकों को 1,000 रुपए दिए हैं, और 5,000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 70 लाख मजदूर, उनको इस बीमारी में घर जाने की जबरदस्त इच्छा थी, उनको घर पहुंचा दिया गया है। तो ये काम करके दिखाया सरकार ने, यही लोगों को बताना है। आपके यहां मंडियां भी जल्दी खुली, अनाज का व्यापार ठीक हुआ। अब विजय भाई रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में जो सरकार है, वो अपने इलाके में भी क्या क्या अच्छे काम कर रही है, यह भी याद दिलाना जरूरी है। 115 जलाशय भरकर 11 शहर एवं 700 से अधिक गांवों को पानी देने की योजना, यह भगीरथ योजना ही है, क्योंकि नर्मदा का अतिरिक्त पानी जो बह रहा है वहां से उठाकर यह जलाशय भरे हैं। तो यह अद्भुत योजना है। पोरबंदर में नया मेडिकल कॉलेज हो रहा है, अमरेली और केशोद में नया एयरपोर्ट बन रहा है, द्वारका और ओखा यहां सिग्नेचर ब्रिज जोड़ने वाला हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। 5 साल मोदी जी के सरकार ने आम जनता को ताकत दी। ताकत कैसे? आज जैसे आपने देखा, गुजरात में 10 लाख लोगों को मनरेगा में जॉब भी मिला है, और उसमें 10 लाख लोगों को 202 रुपये मिनिमम ये उनके खाते में जमा होते हैं। 10 लाख लोगों के खाते में, ऐसे देश में करोड़ों लोगों के खाते में डायरेक्ट सीधा पैसा जाता है।
पहले हमें याद है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये ही गरीब के पास पहुँचते हैं। लेकिन अब मोदी जी 202 रुपये भेजते हैं तो 202 रुपये ही मिलते हैं, यह फर्क हमने लाया है। और इसलिए गरीब का एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। दूसरा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना दी है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, छोटी बात नहीं है। और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 50 करोड़ लोगों को, उसमें से 1 करोड़ लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर उपचार लिया भी, अनेक लोगों के उसमें ऑपरेशन हुए और मुफ्त हुआ। 12 करोड़ टॉयलेट्स बने, 35 करोड़ जनधन के खाते खुले, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में घर बने या बन रहे, फाइनल स्टेज में है, 3 करोड़ घरों में जहां बिजली नहीं, वो 57,000 करोड़ की एक बार। हम हर साल 60,000 रुपये, 60,000 करोड़ रुपए ऐसे 10 साल देने वाले हैं। तो ये किसानों को एम्पावर करने का प्रयास है। तो मोदी जी ने एक देश में सुशासन, जनता की सरकार कैसे होती है ये दिखा दिया। और ये काम गरीब जनता को ताकत देके उनका संबल बनाकर, संबल बनाना, इसका मतलब देश का निर्माण करना है। इस साल 6ठा साल है, ये सभी जो काम पहले 5 साल की, इसका परिणाम हुआ कि 2019 में पहले 282 सीटें थी, अब 303 हो गई बीजेपी की अकेले, और एनडीए मिलके लगभग 350 से ज्यादा सीटें हो गई। आने के बाद एक साल में बहुत निर्णय लिए, धारा 370 रद्द हो गई, कश्मीर का सही विलय देश में हो गया, जैसे राज्य है महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वैसे अब जम्मू कश्मीर राज्य है। 35A भी खत्म हुआ। और आपने देखा है पिछले 2 सप्ताह में दहशतगर्दियों को इतना कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की है कि अनेक आतंकवादी मार गिराए गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पाकिस्तान के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, यह भारत सरकार ने जता दिया है। नागरिकता संशोधन कानून पास हो गया। नागरिकता कानून में क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, जो तीनों इस्लामी देश है, वहां से जिसकी भी धार्मिक मजहब के आधार पर प्रताड़ना होगी, वो जो आएगा, वो चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, और वो भी 2014 तक जो आए हैं उनको मिलेगी। लेकिन जानबूझ के गलत फहमियां तैयार करने का प्रयास हुआ, लेकिन नहीं चला। राम मंदिर की मांग तो कितनी, कितने साल लड़ाई हुई है, 500 साल का लड़ाई का कभी अंत होगा ऐसा लोगों को लगता नहीं था। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने और सरकार ने ऐसी पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी एक राय से निर्णय आया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया। सरकार ने तुरंत न्यास बनाया और तुरंत उसका काम भी अभी शुरू हो रहा है, मूल काम शुरू हो गया है।
करतारपुर में सिखों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान वो पाकिस्तान में था, सामने दिखता था, उसका भी एक अलग रास्ता बनाकर विदाउट वीसा जा सकते आ सकते ये काम किया है। पूर्वोत्तर भारत में बोडो आंदोलन की हम हमेशा चर्चा करते थे, वहाँ हिंसा होती थी, आज पूरा बोडोलैंड खुशी से झूम रहा है क्योंकि उसका समझौता हो गया और अच्छी तरह से समझौता हुआ। जब भारत पर थोड़ी भी नजर तिरछी करी पाकिस्तान ने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और जब समय आया तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी किया और बता दिया कि हम सहन नहीं करेंगे, ये करके दिखाया। एक देश एक कर प्रणाली लाई, जीएसटी लाया, शुरुआती के थोड़े दिक्कतों के बाद अब सुचारू रूप से चल रहा है, व्यापारियों को पेंशन और बाकी मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था करी, अपनी रक्षा सामग्री लाकर बहुत अच्छी तरह से काम किया। अब इसी के बीच में प्रधानमंत्री जी ने नया संकल्प दोहराया है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत माने दुनिया से कटना नहीं है, दुनिया के व्यापार से हटना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि दुनिया से कम खरीदी करेंगे और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट थोड़ा कम करेंगे और देश में अगर उत्पादन होता है तो वो वस्तु का यूज करेंगे, हम भी उसमें एक आंदोलन करेंगे तैयार। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया किसान के लिए, तो ये मुक्ति का क्षण है क्योंकि एपीएमसी कानून से उसकी मुक्ति हो गई। पहले बंधन था कि मंडी में जाकर ही बेचना पड़ेगा, अब मंडी में जाकर बेचने की सख्ती खत्म हुई और मंडी में के बाहर भी अपने घर से भी कोई व्यापार कर सकेगा और जो ज्यादा दाम देगा उसको किसान बेच सकेगा। यह अधिकार मांग रहे थे 50 साल से, नहीं मिला था, मोदी जी ने दे दिया। हमेशा हमने देखा है आलू की, प्याज की, किसी चीज की कीमत कम हो गई, कीमत यानी थोड़े कमी रही तो कीमतें बढ़ती है तो तुरंत उसके निर्यात पर पाबंदी आती है। और कभी कभी आयात भी करते हैं, इससे किसान का नुकसान होता है। अब जब तक वाजिब दाम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते तब तक किसान पर ऐसे अनावश्यक बंधन नहीं करेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इसलिए बदलाव किया है। अनुबंध करके किसी उत्पादक को कि या किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, भाई आलू इस प्रकार के मैं तैयार करूंगा, प्याज इस प्रकार के तैयार करूंगा, आप बीज दे दो, हम बोएंगे, हम अच्छी खेती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मादा पैदा करके माल आपको दे देंगे, और वो भी बताता है कि मैं आपका जितना भी माल होगा खरीदी करूंगा। यह अनुबंध करने की इजाजत नहीं थी, अब वो इजाजत मिली है, यह आत्मनिर्भर पैकेज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्योग, उनकी परिभाषा बदल दी, ज्यादा उद्योगों को अब उसमें संरक्षण दिया है और उसके लिए 3,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है।
पशुपालन को भी दिया है, मत्स्य पालन को भी दिया है। एक अनोखी योजना है, रेडी पटरी वाले जो होते हैं ठेला लगा के बैठता है उसको 10,000 रुपये मिलेंगे अभी, और सभी बैंकों को कहा गया है कि जल्दी उनको मंजूर करें, गारंटी सरकार देगी। 50 लाख ठेले वालों को इसका फायदा मिलेगा यह अपेक्षा है। तो भाइयों, मैं जो कह रहा था कि हमें अपने पार्टी पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी ऊंचाई पर ले जाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, गुजरात में विजयभाई रूपाणी नितिन भाई पटेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप सभी कार्यकर्ता, गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को मैं मिलता हूं तो मुझे हमेशा आनंद होता है कि ये कार्यकर्ता एक स्नेह भाव से बंधे हुए हैं, एक पारिवारिक भावना है गुजरात में, मुझे हमेशा लगता है। और इसलिए ऐसे गुजरात में आज मुझे आपके साथ जुड़ने का भाग्य मिला, क्योंकि आज तो सामने आकर बैठ सभा नहीं हो सकती और सारी लोग एक ही हॉल में पूरे जमा है या लोग मैदान में जमा है, ये भी नहीं हो सकता।